हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पाशा के बारे में पढ़ा जाएगा। पाशा डाइस। पाशा हम लोग मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाशाओं को पढ़ा जाएगा, जिसमें से पहला होगा साधारण पाशा, साधारण पाशा, दूसरा होगा मानक पाशा, और तीसरा होगा विस्तारित या प्रसारित पाशा, या जिसको हम कह सकते हैं खुला पाशा। खुला पाशा भी इसको कहा जाता है। ये तीन प्रकार के पाशों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे साधारण पाशा। साधारण पाशे में हम लोग मुख्य रूप से तीन टाइप पढ़ा जाएगा। साधारण पाशा में तीन टाइप पढ़ा जाएगा, कौन कौन सा? पहला इसमें होगा जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो। दूसरा पढ़ा जाएगा जब दो सतह समान हो, जब दो सतह समान हो। और तीसरा पढ़ा जाएगा इसमें हम लोग जब कोई सतह समान ना हो, जब कोई सतह समान ना हो। ये तीन टाइप के हम लोग पढ़ेंगे इसमें साधारण पाशा में। तो पहले आज हम लोग देखते हैं साधारण पाशा। साधारण पाशा में पहला टाइप देखा जाएगा जब एक सतह, पाशे के एक सतह समान हो। दो या दो से अधिक पाशे दिए हो, उसमें से किन्हीं दो सतहों में से एक सतह के, दोनों पाशों में से किन्हीं एक सतह के वैल्यू जो है बराबर दिए गए हो, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अर्थात पहला है जब एक सतह समान हो, यहाँ दो दे दिया, यहाँ पाँच दे दिया, यहाँ तीन दे दिया। दूसरा पाशा है यहाँ दो दे दिया, यहाँ चार दे दिया, यहाँ एक दे दिया। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों पाशों में एक सतह इसका समान मिल रहा है, इस पर दो है और इस फलक पर भी दो दिया हुआ है, बाकी दो सतह समान नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सतह समान होता है उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। जैसे इसमें दो कॉमन है और इसमें भी दो, ये दोनों सतह क्या है, एक समान है। तो अब हम इस पाशे में भी दो से चलना शुरू करेंगे और इस पाशे में भी दो से चलना शुरू करेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, और इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज। बस इसी बात को हमको ध्यान में रखना है कि अगर पहले पासे में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो दूसरे पासे में भी हमको क्लॉकवाइज ही चलना है, चेंज नहीं करना है। अगर इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी हमको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, ये चीज हमको चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि इसमें क्लॉकवाइज चल दिया और इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज चल लिया तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे इसमें से हम क्लॉकवाइज चलना अगर शुरू करते हैं, दो, दो के बाद क्या पड़ेगा, तीन, तीन के बाद क्या पड़ेगा, पाँच। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ से दो से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, इसमें भी चलेंगे इसी तरीके से, दो, दो के बाद चार, चार के बाद एक। तो जब इसमें विपरीत फलक पूछा जाएगा कि तीन का विपरीत कौन होगा, तीन का विपरीत चार हो जाएगा, पाँच का विपरीत कौन होगा, पाँच का विपरीत एक हो जाएगा, और दो का विपरीत क्या होगा, जो बचेगा दो का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से छः हो जाएगा दो का विपरीत, दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छः।
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं, अगर इधर से चलना शुरू कर देते हैं तो कैसे मिल जाएगा भाई, दो के बाद पाँच पड़ेगा, पाँच के बाद तीन पड़ेगा, और यहाँ पर दो के बाद एक पड़ेगा और एक के बाद चार पड़ेगा। फिर यहाँ से भी हमको तीन का विपरीत क्या मिलेगा, चार ही मिलेगा, और पाँच का विपरीत भी हमको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अर्थात हम चाहे क्लॉकवाइज चलें या तो एंटी क्लॉकवाइज चलें, दोनों में अगर हम सेम तरीके से चल रहे हैं तो हमको जवाब वही मिलने वाला है। तो पहला कंडीशन टाइप नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि जब दो सतहों में से, जब दो पाशा में किन्हीं दो सतह समान हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे दिया जाए इस तरीके से, एक फ्लक, एक पासा ये हो गया, दूसरा पासा ये हो गया, इसमें चार पाँच छ, इसमें दे दिया पाँच तीन दो। अब इसमें देखिए कॉमन कौन है दोनों में, यहाँ पर भी पाँच है और यहाँ पर भी पाँच है, तो पाँच से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, पाँच के बाद आएगा तीन और तीन के बाद आएगा दो, और इसमें अगर हम पाँच से शुरू करते हैं, पाँच यहाँ पर है, पाँच के बाद छ, तो पाँच के बाद छ और छ के बाद चार, तो तीन का विपरीत छ मिल जाएगा, दो का विपरीत चार मिल जाएगा, और पाँच का विपरीत क्या आ जाएगा, पाँच का विपरीत जो बचा है। कितने फ्लक होते हैं, टोटल छ फ्लक होते हैं, छ फ्लक में हमको पाँच फ्लक के बारे में पता चल गया, तो बचा क्या, एक से शुरू होगा, तो एक दो तीन चार पाँच और छ, तो बचा है एक, तो पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रकार से टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि जब दो पासे दिए हों और उनमें से किन्हीं एक फलक का एक सतह का वैल्यू समान हो, तो उसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा टाइप इसका देखेंगे हम लोग, जब दो सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, पासे दे दिए जाएं आपके सामने इस तरीके से, यहाँ पर चार लिख दिया जाए, यहाँ तीन, यहाँ दो, यहाँ चार लिख दिया जाए, यहाँ तीन लिख दिया जाए, यहाँ एक लिख दिया जाए। जब दो फलक समान होते हैं, दो फलकों के वैल्यू जब समान होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। भाई देखिए, जो फलक दिखते हैं वह उसके विपरीत कभी नहीं होते। जैसे चार के साथ तीन और दो दिख रहा है, चार के साथ तीन और दो दिख रहा है, तो चार का विपरीत कभी भी तीन और दो नहीं हो सकता है। तो चार का विपरीत होगा क्या, चार के विपरीत वही होंगे जो नहीं दिख रहे हैं। चार के साथ क्या नहीं दिख रहा है, चार के साथ एक नहीं दिख रहा है, चार के साथ पाँच नहीं दिख रहा है, और चार के साथ छः नहीं दिख रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जब यहाँ चार तीन अभी भी दिख रहा है और चार तीन यहाँ पर भी दिख रहा है, तो अब यहाँ पर दो पहले दिखता था और अब दो नहीं दिख करके एक दिख रहा है। इसका मतलब जो विपरीत था वह अब नहीं दिख रहा है, दूसरा उसका दूसरा वाला हिस्सा दिख रहा है, दूसरा सतह दिखाई दे रहा है, अर्थात दो का विपरीत क्या हो जाएगा, एक, दो का विपरीत एक हो जाएगा। जब दो फलक समान होते हैं तो उसमें से जो बचता है वही उसका विपरीत हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, यहाँ पर दे दिया जाए छः एक चार, यहाँ दे दिया जाए छः तीन चार, तो यहाँ पर एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा। यहाँ पर देखिए छः है, यहाँ पर भी छः है, यहाँ पर चार है और यहाँ पर भी चार है। पहले क्या दिखता था, एक दिखता था, अब क्या दिख रहा है, तीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पर एक का विपरीत क्या होगा, तीन, एक का विपरीत क्या होगा, तीन हो जाएगा। यहाँ से
एक का विपरीतांश हमको क्या मिल जाएगा, तीन। तो यह हो गया जब दो सतह समान हो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगला आप देखेंगे इसमें हम लोग तीसरा टाइप इसका देखिए, जब कोई सतह समान ना हो, जब कोई सतह समान ना हो। भाई दो तरीके का हम लोगों ने देख लिया कि जब दो सतह समान हो, दूसरा हम लोगों ने देख लिया जब एक सतह समान हो। अब एक बचा है जब तीनों सतह में समान, अगर तीनों सतह समान हो जाएगा, अगर इस तरीके से हमने ले लिया कोई पासा, इस पासे का दो तीन चार, दूसरा पासा हमने ले लिया, अगर इस सबके तीनों सतह समान हो जाएंगे दो तीन चार, तो इन पासों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अर्थात तीसरे टाइप का जो हमारे पास बचेगा उसमें यह होगा कि कोई भी सतह समान ना हो, तीनों सतहों में से कोई भी सतह समान ना हो, तब देखिए क्या होगा। जब कोई सतह समान नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां तीन दो एक दे दिया, यहां पांच चार छह दे दिया, यहां पर कोई भी सतह इसमें समान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन हो जाता है। पहला तो इसका अब हमको विकल्प देखना पड़ता है, विकल्प में दिया क्या है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से पूछ दिया तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या है, हमको यहाँ से तीन का विपरीत बतलाना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो इसका एक सतह समान है ना ही दो सतह समान है, तो विकल्प हम देखेंगे विकल्प में क्या दे रखा है। अब ऐसे कंडीशन में कि तीन का विपरीत इसके सामने वाला सतह हो जाएगा, दो का विपरीत इसके सामने वाला सतह हो जाएगा, और छः का विपरीत इसके सामने वाला सतह हो जाएगा, अर्थात तीन का विपरीत पाँच हो जाएगा, दो का विपरीत चार हो जाएगा, और एक का विपरीत छः हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन विकल्प पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें तीन का विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो तीन के विपरीत में अगर दो, विकल्प में दिया है दो एक, और तीसरा विकल्प दे दिया छः, और चौथा विकल्प दे दिया है पाँच, तो यहाँ से हमारा जो विकल्प नंबर चौथा है पाँच वो सही हो जाएगा। अगर विकल्प में इसने ऐसे दे दिया विकल्प, दूसरा विकल्प इसके मान लीजिए पहला दे दिया दो, दूसरा दे दिया पाँच, तीसरा दे दिया छः, और चौथा दे दिया आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो ये हमारा पांच न सही होकर के, दूसरा विकल्प न सही होकर के चौथा विकल्प सही होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि यहाँ से यह एकमात्र जुगाड़ है पांच चीज का सही है। अगर आंकड़े अपर्याप्त का विकल्प आ जाएगा तो यह आंकड़े अपर्याप्त वाला विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है कि तीन का विपरीत पाँच ही होगा। अगर इस प्रकार से विकल्प दे दिया जाए, पहला दो, दूसरा पाँच, तीसरा विकल्प दे दिया जाए चार ऑब्लिक पाँच ऑब्लिक छः, चार ऑब्लिक पाँच ऑब्लिक छः दे दिया जाए इसका विकल्प, और चौथा दे दिया जाए आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा तीसरा, चार पाँच या छः, तीन का विपरीत। भाई देखिए तीन का विपरीत क्या नहीं हो सकता, तीन का विपरीत यहाँ से दो नहीं हो सकता है और एक नहीं हो सकता है, बाकी जो भुजाएं बची हुई हैं, बाकी जो फलक इसके बचे हुए हैं, उन फलकों पर क्या नंबर दे सकता है, पाँच आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पाँच आ सकता है, या तो छः आ सकता है, ये तो आ सकते हैं। तो तीन का विपरीत इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, तो हमारा विकल्प नंबर तीन सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पासे में एक पहला साधारण पासा देखा, साधारण पासे में हमने
पार्ट्सों के तीन टाइप देख लिए कि तीन टाइप इसके क्वेश्चन हमारे बनेंगे और कैसे बनेंगे, उसमें से हमने आपको तरीका बतला दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके दूसरे दो और पार्ट जो बचे हुए हैं, मानक पाशा और खुला पाशा या प्रसारित पाशा के बारे में।